नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का DSR जोन में। मित्रों, कोई भी इंसान, पुरुष हो या स्त्री, अगर कोई किसी को प्रेम करता है, किसी से प्यार करता है और सामने वाला इंसान उसकी कद्र नहीं करता, उसकी परवाह नहीं करता, उन दोनों के मध्य मतभेद चल रहे हैं, बातचीत भी बंद है, यहाँ तक कि किसी ने अगर आपका नंबर भी ब्लॉक कर रखा है, बंद कर रखा है, और आप उससे बात करने के लिए, उसका प्यार पाने के लिए बेचैन हैं, परेशान हैं, बहुत ही सरल एक टोटका, एक उपाय आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, जिसे आप कर लें, वो सामने वाला शख्स, वो सामने वाला इंसान आपके लिए बेचैन हो उठेगा, तड़प उठेगा, और जिस प्रकार से आज वो आपकी कदर नहीं कर रहा या आपको छोड़कर जा रहा है, नंबर ब्लॉक किया हुआ है, अपने आप आपसे संपर्क साधेगा, बात करेगा। बहुत सरल उपाय है मित्रों, परंतु जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली। पूरे ध्यान से और यकीन और विश्वास के साथ आप इस उपाय को कर लें, वो जो कोई भी इंसान है खुद चलकर आपके पास आएगा, गिड़गिड़ाएगा, मिन्नतें करेगा आपसे कि उसके प्यार को अपना लो। क्या करना है आपने मित्रों? उपाय जो आप ये करेंगे वो आप सोमवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन करेंगे, और किसी दिन आपने ये उपाय नहीं करना है। उपाय करने से पहले अपने हाथ मुंह पैर अच्छे से धो लें और एक साफ स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएं, कोई भी आसन कपड़ा बिछाकर, किसी भी रंग का आसन कपड़ा आप बिछा सकते हैं, बैठें पालथी मारकर, पलाश मारकर। अपने साथ आपने मित्रों एक रखना है पीले रंग का धागा, रील का धागा हो वो भी चलेगा, डोरा हो वो भी चलेगा, एक धागा रखें। आपने क्या करना है, अपने हाथ की जो आपकी मध्यमा उंगली है, उस उंगली पर आपने नीचे बिल्कुल जहाँ से उंगली शुरू हो रही है उस जगह पर इस धागे को 7 बार घुमाकर और एक गांठ लगा देनी है। गांठ लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस उंगली को अपने उल्टे यानी लेफ्ट जो आपका शोल्डर है, जो कंधा है, उस पर आप छुला देंगे। केवल यही उंगली छुलनी चाहिए, कोई भी अंगूठा उंगली नहीं छुलनी चाहिए। इसके अलावा ये उंगली आप अपने कंधे पर छुला दें ऊपर से, और उसके बाद मित्रों आपने उस इंसान को सोचना है, आंखें बंद करें, उस व्यक्ति को सोचें जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रही हैं, और उसके बाद आपने आंखें नहीं खोलनी है और एक बीज मंत्र का उच्चारण करना है 11 बार। बीज मंत्र है मित्रों त्रिंग, त्रिंग अक्षर का, शब्द का आपने 11 बार उच्चारण करना है, 11 बार ऐसे बोलना है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक बोलना है, और त्रिंग बोलने के बाद 3 बार उस व्यक्ति का नाम लें जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने उल्टे हाथ को सामने लाएं, उल्टे हाथ की हथेली के बीचों बीच आपने ये जो जिस आपकी अनामिका उंगली पर, रिंग फिंगर पर आपने धागा लपेटा है, उस उंगली को छुला दें हथेली पर बीचों बीच, और उसके बाद फिर 3 बार उसी व्यक्ति का नाम लें। उसके बाद आप उंगली हटा लें, उस स्थान से खड़े हो जाएं, इस धागे को खोलें, ये धागा वापस खोल लें, गांठ आपने नहीं लगानी है कहीं भी मित्रों, ये बात ध्यान रखें, अंदर की तरफ आप इसे मोड़ लें, लपेट लें, और उसके बाद आपने क्या करना है, ये धागा जब आपने खोल लिया, आप इसे अपने तकिए के नीचे रात को सोते समय रख दें। अगले दिन इस धागे को निकाल कर आप तुलसी के पौधे पर लपेट लें, उसकी किसी भी टहनी पर आप घुमाकर, 7 ही बार आपने वहाँ भी घुमाना है, गांठ वहाँ भी आपने नहीं लगानी है, उस पर लगाकर छोड़ दें। ये सरल सा कार्य मित्रों आप कर लें और देखें, जो भी कोई वो इंसान है जो आपको परेशान कर रहा है, जिसके लिए आप तड़प रहे हैं, आप जिसे चाहते हैं, प्रेम करते हैं, वो अपने आप आपसे बात करने के लिए खुद चला आएगा। घर में अगर आपके पति पत्नी के बीच कुछ ऐसी परेशानी है तो आपका वो गुस्सा, आपका वो भेदभाव प्यार में बदल जाएगा। उम्मीद करते हैं मित्रों ठीक प्रकार से आपको वीडियो समझ में आई होगी, उपाय समझ में आया होगा। किसी भी परेशानी के तहत आप @JoneDSR पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। अब दें आज्ञा मित्रों, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ख्याल रखें अपना, खुश रहें।